वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आईपीएल 2019 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आईपीएल के अंत होते होते शुरू हो चुकी है, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब के ऊपर 2 साल का सस्पेंशन का दाग मंडरा रहा है। क्या है वो कारण और आईपीएल के लॉस इसकी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या कह रहे हैं, पूरे विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, मैं फर्जीवाड़ा नहीं फैलाते हैं, मैं आपको एकदम ट्रू न्यूज़ बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, दिस वीडियो हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय द इनसाइड एज ऐप। अगर आप फैंटेसी क्रिकेट से घर बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आप लोग अभी इनसाइड एज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में नए नए फीचर्स हैं, वहीं आपको अनलिमिटेड क्रेडिट भी इस ऐप में आपको मिल जाते हैं। अभी इनका एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है जिसमें आप रेडमी नोट 7 प्रो जीत सकते हैं। अगर आप आईपीएल के दौरान इस ऐप में अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको 50% बोनस भी मिलेगा। तो अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप अभी जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किंग्स इलेवन पंजाब के ओनर नेस वाडिया को 2 साल की जेल हो चुकी है। कारण ये है कि वो न्यूजीलैंड में हॉलीडे में गए थे और वहाँ पे उनके पॉकेट से ड्रग बरामद हुए हैं। अब इसके वजह से किंग्स इलेवन पंजाब आईपीएल से 2 साल के लिए बैन या फिर हो सकती है, क्योंकि आईपीएल के ऑपरेशनल रूल्स के तहत कोई भी टीम के ऑफिशियल्स अगर ऑन द फील्ड या फिर ऑफ द फील्ड किसी भी इलीगल एक्टिविटी में गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको 2 साल के लिए आईपीएल से बैन किया जा सकता है। और अब इसी रूल के तहत एक बीसीसीआई ऑफिशियल, जिसका नाम अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, उन्होंने बीसीसीआई से गुहार लगाई कि किंग्स इलेवन पंजाब को 2 साल के लिए बैन कर दिया जाए। उस ऑफिशियल ने चेन्नई सुपर किंग्स के 2015 के बैन का एग्जांपल भी दिया है और उसी एग्जांपल के तहत उन्होंने कहा है कि किंग्स इलेवन पंजाब को 2 साल के लिए बैन भी किया जाए। और इसी खबर की पुष्टि एनडीटीवी, टाइम्स नाउ और क्रिक ट्रैकर ने भी की है। और अब ऐसा हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बाद किंग्स इलेवन पंजाब तीसरी टीम बन जाए जिनको आईपीएल में 2 साल के लिए बैन किया जाए। अगर इस साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब की परफॉर्मेंस इस साल भी इतनी अच्छी नहीं रही है, जहाँ पर वो अभी नंबर 7 पे है और बहुत ही कम चांस है कि वो क्वालिफाई करें। विद दिस सेट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।